या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी का मानना है, जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार और शिमला शहर में जो है नगर निगम में भाजपा सत्तासीन हुई है, लगभग 4.5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, तब से जो है शिमला शहर के अंदर जो है विकास को जो है वो ग्रहण लगा है, और जो पूर्व नगर निगम के द्वारा जो परियोजनाएं स्वीकृत करवाई गई थी और जो जिनका कार्य जो है वो चल रहा था, वो भी जो है आज तक पूर्ण नहीं कर पाई है, और इससे जो है भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां व जो विकास के प्रति जो नकारात्मक रवैया है वो जो है उजागर हुआ है। और जिस प्रकार से कल जो सांसद सुरेश कश्यप ने भी कार्यों की समीक्षा की बैठक में जो चिंता व्यक्त की है इस कार्य को जो तेजी नहीं आई है और कार्य जो है लगभग रुके पड़े हैं, तो वो भी जो भाजपा का जो विकास विरोधी चेहरा है उसको उजागर करता है। तो सीपीएम जो है आने वाले समय में इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन चलाएगी, और इसके साथ साथ जो है आगामी जो नगर निगम का चुनाव है और जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो है जन सरोकार की नीतियों का जो है वो वैकल्पिक नीतियों को लेकर जो है एक बेहतर विकल्प जो है जनता के समक्ष जो है वो पेश करेगी। आप देखें वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक जब सीपीएम के नेतृत्व में पूर्व नगर निगम ने कार्य किया था, तो लंबे संघर्ष के बाद जो है वो बहुत सी परियोजनाएं जो है शिमला शहर के लिए स्वीकृत करवाई गई थी, जिसमें मुख्यतः 2906 करोड़ की स्मार्ट सिटी परियोजना, $125 मिलियन यानी 950 करोड़ की जो शिमला शहर के लिए पेयजल व सीवरेज के जीर्णोद्धार की परियोजना विश्व बैंक से स्वीकृत करवाई थी, 200 करोड़ की जो टूटी कंडी से माल रोड की जो रोपवे की योजना थी, इसके साथ साथ जो है जो आजीविका भवन तय बाजारी के लिए 4.5 करोड़ रुपए से करवाई थी, गरीब के लिए जो है जो शहरी गरीब है उसके लिए 33 करोड़ की आवास योजना जो है वो भी स्वीकृत कराई थी, इसके साथ साथ 66 करोड़ रुपए की जो है वो शिमला शहर की सौंदर्यकरण और इसके जीर्णोद्धार की परियोजनाएं जो है, इसके अलावा कई पार्किंग और अन्य पार्कों की परियोजनाएं जो है वो स्वीकृत करवाई गई थी। परंतु विडंबना ये है कि आज तक जो है ये परियोजनाएं जो है वो पूर्ण नहीं हुई है, और स्मार्ट सिटी का अगर हम देखें तो केवल मात्र 7% कार्य 2906 करोड़ में से 213 करोड़ के कार्य ही जो है अभी तक जो है भाजपा की सरकार और नगर निगम जो है चला।